दोस्तों हम लोग का पास आ गया KTM Duke 200 सीसी। दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम हो गया, गाड़ी वॉश किया हम लोग अच्छा से वॉश किया, तो करीब 1 किलोमीटर चला, चलने के बाद पेडल ठेल के लाया, ठीक है ना, स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम लोग देखे सेल्फ मैंने बैटरी भर गया, तो बैटरी के लिए हो सकता है पानी वानी गया, तो अच्छा से देखे जो टैंक में लेते ना फुल पम्प, जैसे चाबी ऑफ करने के बाद ऑन करते घास सब, इसका मतलब फुल पम्प चालू है बिल्कुल, करंट भी चेक किया सब, हर चीज सही है, जैसे पिघलते फट फुट मिस फायरिंग आता है, तो क्या करेंगे, बैटरी बैठ गया, तो बैटरी थोड़ा देखा यहाँ पे चार्ज में लगा है, तो मैं पावर जून का बैटरी लगा दी एवेंजर का, फिट नहीं हुआ, देखे फिट हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लगाए देखो देखा देता ना, तो ये लगा दिया अभी तो बिल्कुल सही है, मगर इसका नहीं हुआ, फट फुट आवाज था, मिसिंग प्रॉब्लम, तो हर चीज खुल है, तो दोस्तों पलक नहीं खुल पाए, पलक रिंच उसका अलग है, दूसरा मेरे पास था, कोई आदमी लेके गया, अब इसको बोलते हम नहीं लिए, तो दोस्तों हम लोग का एरिया में नहीं है, तो कल या परसों ये गाड़ी रह जाएगा, स्टार्ट नहीं हो पाएगा ये गाड़ी, तो मुझे जाना पड़ेगा सिलीगुड़ी, पलक रिंच लाना होगा, तभी ये गाड़ी का कोई समस्या का हल हो सकता है, मतलब जैसे समस्या होगा ना उसका समाधान होगा, पहले पलक रिंच लाना पड़ेगा, मेरे पास पलक भी है दोस्तों, हम पलक दिखा देते हैं अभी, तो दोस्तों ये हो गया KTM का पलक, इसका थ्रेड देखे कितना बड़ा है, तो दोस्तों ये पलक लगाएंगे और 90% स्टार होगा, 90% का इसका फुल पम्प बिल्कुल सही है, और हर चीज से जितना चेक करने का हम चेक कर ले, मेरा एक दोस्त है सिल्ली ने उनको फोन लगाए, उनका नाम है सुकुमार, तो उन्होंने बोला पलक नहीं लगाओ पलक ही करो, हम ऐसे ऐसा बात है मिस फायरिंग होता है आवाज करता है फाट फूट, बोले पलक खुलो, पलक खुलने के बाद हो जाएगा, तो दोस्तों अगर मिस फायरिंग होता है फाट फूट, तो पहले अगर आपका गैरेज है तो पलक नहीं रहना जरूरी है, नहीं तो खुल के कोई फायदा नहीं, पलक खुलना पड़ेगा, कोई भी रेंज नहीं लगा इसमें, तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साइड में बेल आइकन घंटी भी लगा दोस्तों उसको भी प्रेस कीजिएगा, जब तक बेल आइकन घंटी प्रेस नहीं कीजिएगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा दोस्तों, और वीडियो दोस्तों का शेयर कीजिएगा, का इस चैनल में हर एक वीडियो मिल जाएगा, चाहे वीडियो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पंचर वॉशिंग जितना बाइक का रिपेयर होता है, इंजन के बारे में, सर्विस के बारे में, हर एक चीज मिल जाएगा इस चैनल में, बहुत सारा वीडियो डाला है दोस्तों, और मेरा फेसबुक में भी वीडियो डालते हैं, फेसबुक पेज में मिथुन मंडल मोटरसाइकिल मैकेनिक, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा मिथुन मंडल मोटरसाइकिल मैकेनिक तो आ जाएगा, तो दोस्तों जैसे हम पलक लगाएंगे स्टार्ट करेंगे आप लोग को फिर अलग से हम वीडियो बना के दिखाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों जब स्टार्ट होगा तब अलग से वीडियो बनाएंगे, यही प्रॉब्लम है दोस्तों, करंट आना जरूरी है, फुल पम्प चलना जरूरी है, अगर फुल पम्प नहीं चलेगा या करंट नहीं आएगा तो नहीं होगा, ये हर चीज सही है, जैसे पिघल देते ना फट फुट आवाज है, इसका मतलब क्या पलक में मिसिंग फायरिंग मरता है, पलक खुलना ही पड़ेगा, हो सकता है पलक में कचरा आ गया, और नहीं तो पलक चेंज करना पड़ेगा, तो दोस्तों मेरे पास पलक है मगर सिस्टम नहीं खुलने का, इसलिए हम लोग फंस गए, कल या परसों टाइम मिलेगा हम जाएंगे सिलीगुड़ी, पहले पलक रिंच लाना पड़ेगा, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।